आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय नौसेना की अनमैन नौकाओं की परीक्षण प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। भविष्य के भारतीय वॉरशिप्स को कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम CMIS की अगली पीढ़ी प्राप्त होगी। MQ-9B प्रेडेटर भारत कॉन्टैक्ट को इस वर्ष के अंत तक समाप्त करने की दिशा में देख रहा है तथा डिलीवरीज 2025 के बाद से शुरू होगा। भारतीय नौसेना ने अब अनमैन बोट के प्रवेश के लिए भूमिका तैयार कर ली है। नौसेना के इंटीग्रेटेड अनमैन रोडमैप के तहत विकसित किया गया यह 15 मीटर लंबी बोट नौसेना की रणनीति में अग्रणी तकनीकी उन्नति का प्रतीक है। इसे जलयान सड़कने और चुनौतीपूर्ण समुद्री स्थितियों में नेविगेट करने की क्षमता है। आगामी समुद्री परीक्षण बरसात के बाद आयोजित किए जाएंगे और नौसेना के विश्वसनीयता और सुरक्षा के मामले को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा उपलब्धि होगा। यह अनमैन बोट रिकॉग्नाइसेंस, सर्वेलेंस और माइन काउंट मेजर ऑपरेशनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारतीय नौसेना नव प्रकार की लड़ाई प्रबंधन प्रणाली CMS के लागू होने से अपनी नौसेना क्षमता को मजबूत कर रही है। यह प्रणाली जहाजों पर नर्व सेंटर में सेवा करती है और विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों जैसे सेंसर, रडार, सोनार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणालियों और विभिन्न हथियारों को एक साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नई लड़ाई प्रबंधन प्रणाली विकसित करने का काम वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट VSEE और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL ने किया है। नौसेना के मॉडर्नाइजेशन के प्रयासों में यह एक महत्वपूर्ण मंजिल है। 2024 से 2029 तक जितने भी नौसेना के नए वॉरशिप को संचालित किया जाएगा उन्हें इस नई CMS से लैस किया जाएगा, जो नौसेना की इतनी आग्रही कोशिशों का प्रतीक है। भारत को अपने अविहित वायुयानी क्षमताओं में बड़ी पहल के रूप में आगे बढ़ने की संभावना है, जिसमें जनरल एटॉमिक्स के साथ 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोनों की खरीदारी के संबंध में समझौते के संरक्षण वर्ष के अंत तक अनुमानित लागत लगभग 3.5 अरब है। इस समझौते को इस साल नवंबर के अंत तक अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे डिलीवरी 2025 के अंत से शुरू होंगे। भारतीय नौसेना में 15 सी गार्डियंस और भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में 9 गार्डियंस का प्रवेश किया जाएगा। इन ड्रोनों की खरीद प्रस्तावित क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत के लिए विशिष्ट महत्व रखती है। भारतीय स्टेट ओन शिपयार्ड गार्डन रीच एंड इंजीनियर्स GRSE ने एक ऐतिहासिक प्रगति का ऐलान किया है कि वह इस महीने के 28 तारीख को अपने पहले स्वदेशी नदी निक्षेप उपकरण AUV का पर्दाफाश करेगी। इस उन्नतता के माध्यम से भारत को अपनी विस्तृत तटरेखा की नजरबंदी और सुरक्षा में महत्वपूर्ण अग्रसरता मिलेगी। संचारिकता के लिए नदी निक्षेप उपकरण बिना मानवीय हस्तक्षेप के काम करते हैं और तटवर्धक या संकीर्ण नदी निक्षेप क्षेत्रों तक पहुँचने की क्षमता उनके महत्वपूर्ण विशेषताओं में सम्मिलित करती है।